मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। जो राज्य अच्छा काम करता है उन्हें ये अवार्ड मिलता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सचिन पायलट के इतिहास बदल देंगे वाले बयान पर कहा कि अब वक्त बताएगा कितना इतिहास बदलते हैं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को इवेंट बताए जाने पर सीएम ने कहा कि अब उनकी समझ में उतना ही आता है जितना समझ में आता है उतनी बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है और ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सर्वेक्षण कराता है स्वच्छता और सुंदरता की दृष्टि से जो प्रदेश जो शहर अच्छा काम करते हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आया है और इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं स्वास्थ्य मित्र हैं और सफाई दीदी हैं सबको मैं उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके कारण हमारा ये प्रदेश तीसरे नंबर पर आया है। और रायपुर महासमुंद आरंग कुम्हारी और पाटन ये पांच नगरीय निकाय इनको भी स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है श्री अरुण साव जी आज हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से प्रदेश का तीसरा पुरस्कार और पाटन का पुरस्कार मिला है और बाकी पुरस्कार हमारे जो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उनके मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के करकमलों से मिला है। मैं ये पांचों नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य मित्रों को सबको मैं बधाई देता हूं धन्यवाद देता हूं। सचिन पायलट कह रहे हैं कह रहे हाथ बदल देंगे नए प्रभारी कांग्रेस। अब देखियो तो वक्त बताएगा कितना इतिहास बदलते हैं। राम मंदिर नहीं जाएंगे कांग्रेस बोल रही है कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे इन्विटेशन बोल रहे इवेंट बता रहे हैं। अब उनकी समझ में उतनी आता है जितनी समझ में आता है उतनी बात कर रहे हैं।